सो ही थी पोकेमोन ट्रेनर सासुई का स्वागत है पोकेमोन आस्क द गाइस ने एपिसोड में। और भाई लोग पिछले एपिसोड के अंदर भाई हम लोग दो नई दुनिया में गए थे, मतलब कि एक हम लोग गए थे नॉर्थ पोल पे जहाँ पे भाई हम लोग मिले थे सेंटा क्लॉज से, और भाई एक हम लोग गए थे भाई पॉलीगॉन की दुनिया में जहाँ पे भाई हम लोग ने टीम रॉकेट से बैटल किया था। और वो जगह भाई काफ़ी ज़्यादा खतरनाक थी क्योंकि एकदम खतरनाक वाली जगह थी। और भी हम लोग ने बहुत कुछ किया था भाई, जैसे कि देखो हम लोग ने भाई मेडिसिन डिलीवर कर दिया था, और भाई हम लोग ने भाई डुप्लिका से मतलब हम लोग डुप्लिका से मिले थे, और डुप्लिका भाई काफ़ी कमाल की बंदी है भाई, वो मतलब हमको भाई एकदम ए टू जेड पूरा का पूरा कॉपी कर सकती है। और उसका पोकेमोन डिट्टो भाई वो भी एक नंबर है, वो भी भाई हमारे सभी पोकेमोन्स को भाई एकदम ए टू जेड कॉपी कर सकता है। सो काफ़ी अच्छी वाली भाई वो लोग, मतलब वो लोग की जोड़ी एकदम अच्छी है डिट्टो और डुप्लिका की, और मेरे को काफ़ी पसंद आई भाई वो लोग की जो मतलब वो लोग का जो टैलेंट है ना कॉपी करने का, मेरे को काफ़ी पसंद आया। और भाई या और अगर आपने पिछला एपिसोड देखा नहीं तो जाके देख लेना, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा आपको। बट भाई ये वाला एपिसोड भी देख लो, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और चलो चलते भाई आगे और देखते हैं हम लोग को आज करना क्या है। वैसे चलते रहते हैं, आगे आगे चलेंगे, जो भी होगा भाई अपने आप हो जाएगा। और चलते भाई आगे कदम बढ़ाए जा, जो होना हो जाएगा, जो होना होगा हो जाएगा। इट्स अ वाइल्ड पिकाचू भाई, पिकाचू वाइल्ड वाला। अरे भाई रुक रुक रुक, वैसे मेरे पास पहले से ही के। चलो भाई आगे चल के देखते हैं रूट 12। ओके रूट 11 से हम लोग रूट 12 पे आ गए। यहाँ पे क्या होगा? ओके यहाँ पे ये है, ऊपर भी जगह है क्या? ओके ऊपर कुछ नहीं भाई, मेरे को वहाँ पे गैप लगा इसके लिए, मेरे को मतलब वहाँ पे गैप था ना इसके लिए मेरे को लगा कि जगह हो सकता है, बट नहीं वहाँ पे जगह नहीं है। यहाँ पे एक जगह है रूट 12 पे ही, अभी हम लोग फिलहाल रूट 12 पे ही है। ओके रूट 12 भाई काफ़ी बड़ा है, उस साइड से इस साइड आ गई, फिर भी रूट 12 ही है। यहाँ पे एक पेड़ कटा हुआ है, ओके रास्ता बनाया ये लोग ने। ओ भाई पिकाचू पिकाचू, इतने सारे पिकाचू भाई साहब, देख रहे हो भाई इतने पिकाचू, मतलब लिटरली इतने पिकाचू कहाँ देखने को मिलते हैं यार। भाई किसी को पकड़ना तो पकड़ लो यार, बहुत पिकाचू यहाँ पे, पूरे पिकाचू की गैंग है भाई, पूरी पलटन है यहाँ पे। ओ भाई साहब, ओके ये लोग से बात करके देखता हूँ, लेट्स सी, लेट्स टॉक विद दिस पिकाचूस। पिका, और ये भी पिका, भाई सब पिका पिका बोलोगे। इट्स अ ग्रुप ऑफ वाइल्ड पिकाचू। एक मिनट, योर पिकाचू लुक्स लाइक इट वॉन्ट्स टू प्ले विद दैम। खेलना चाहता तो खेल ले भाई, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कर रहा है भाई पिकाचू, कहाँ जा रहे हैं? अरे अरे भाई भटक रहा है यहाँ से वहाँ तू। ओके ओके भाई क्या हो रहा है यहाँ पे? इट लुक्स सो हैप्पी विद ऑल द अदर पिकाचू, मे बी इट विल बी द बेस्ट टू लीव इट बिहाइंड। भाई पिकाचू को तो मैं नहीं छोड़ना चाहता, बट अगर इन भाई देखने से ऐसा ही लग रहा है कि पिकाचू भाई ये लोग के साथ बहुत ज़्यादा खुश है। और अभी पिकाचू के लिए ना ये जगह भाई मेरे साथ रहने से भी ज़्यादा अच्छी जगह है। वुड यू लाइक टू लीव पिकाचू विद द वाइल्ड पिकाचूस इन द फॉरेस्ट? अब भाई देखो मेरा छोड़ने का मन तो नहीं कर रहा है, बट भाई पिकाचू भाई मतलब पिकाचू को ये लोग के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और इफ पिकाचू की फैमिली है भाई, अगर एक तरीके से देखा जाए तो ये लोग मतलब पिकाचू की फैमिली है। और भाई फैमिली मतलब अपने जैसे लोगों के साथ रहना सबको पसंद होता है। और अब मैं यहाँ पे भाई पिकाचू को छोड़ रहा हूँ, सॉरी गाइस, आप लोगों को भी बुरा लग रहा होगा, मेरे को भी भाई दिल से बुरा लग रहा है, क्योंकि पिकाचू मेरा पहला पोकेमोन है, मेरा स्टार्टर पोकेमोन है भाई, जिसकी वजह से मैंने जर्नी स्टार्ट की, और भाई इसके साथ मैंने बहुत कुछ किया। भाई पिकाचू को छोड़ना मतलब दिल टूटने जैसा है, बट अभी करना पड़ेगा हमको ये। ओके गुड बाय पिकाचू, मिलेंगे दोबारा किसी और दिन, दिस इज़ फॉर द बेस्ट। ओके भाई बेस्ट के लिए, बाय बाय पिकाचू, पिका पिका भाई पिकाचू गुड बाय भाई, चलता हूँ भाई मैं भी, क्या ही बोल सकता हूँ, बाय बाय पिकाचू। रूट 12, ओके रूट 12 पे हम लोग आ चुके हैं। एक मिनट, पिकाचू वापस आ गया, पिका पिकाची पिकाचू रिटर्न, इट लुक्स लाइक इट वुड रैदर स्टे विथ यू। भाई भाई यार पिकाचू के लिए भाई तालियां बजाओ प्लीज़ यार, सभी लोग तालियां बजाओ प्लीज़, सभी लोग कमेंट में हैशटैग पिकाचू लगा दो, क्योंकि भाई पिकाचू को मैंने उसकी मतलब उसके जैसे पोकेमोन उसके पास छोड़ गया, बट भाई पिकाचू मेरे से इतना ज़्यादा प्यार करता है, इतना ज़्यादा प्यार करता है कि उसने भाई अपनी फैमिली को मतलब उसके जैसे पोकेमोन को छोड़ के भाई उसने मेरे साथ चलने का डिसीजन लिया। भाई साहब इसको बोलते भाई सच्चा प्यार पोकेमोन और एक ट्रेनर के बीच में, और ये प्यार मेरे को पिकाचू का पाके भाई बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और भाई प्लीज़ सभी लोग पिकाचू के लिए तालियां बजाओ, और पिकाचू भाई हैशटैग कमेंट पिकाचू मतलब हैशटैग पिकाचू कमेंट कर दो भाई, सभी लोग एकदम मतलब पिकाचू को रिस्पेक्ट देंगे। द पिकाचूज आर चेयरिंग फॉर एस एंड फॉर पिकाचू। ओके भाई जो बाकी के पिकाचू है वो लोग भी भाई हम लोग को चीयर कर रहे, और वो लोग भी भाई मतलब हम लोग को भाई मतलब सपोर्ट कर रहे। ओके भाई काफ़ी सही वाली बात है, यहाँ पे एक पेड़ जिसको काटना है। ओके काट देते भाई, काट देते भाई, पिकाचू के लिए भाई ज़ोरदार तालियां बजा दो, और सभी लोग भाई पिकाचू मतलब हैशटैग पिकाचू कमेंट कर दो भाई। पिकाचू ने भाई अपना मतलब उसने अपना प्यार दिखा दिया भाई, और भाई पिकाचू भाई अब हमारे साथ पिकाचू हमेशा रहेगा, और भाई मैं भी कभी उसको छोड़ूंगा नहीं, भले कुछ भी हो जाए मैं उसको कभी भी नहीं छोड़ूंगा। यहाँ पे एक ईवी है, देखते क्या है भाई। ईवी भाई इट्स एन ईवी बट इट माइट हैव अ ट्रेनर, इट हैज़ अ टैग ऑन इट्स कॉलर दैट सीज स्टोन टाउन।
मे बी यू विल रिटर्न इट टू इट्स ओनर, हाउ अबाउट इट? यू कांट रिटर्न ईवी टू इट्स ओनर इफ़ यू डोंट हैव रूम फॉर इट। अगर मेरी टीम में जगह नहीं है तो मैं ईवी को नहीं छोड़ सकता, तो ये भी एक दिक्कत है। सो मेरे को रूम बनाना पड़ेगा। एक मिनट, अगर यहाँ पे आगे कहीं पोकेमोन सेंटर मिला सो मैं काम कर सकता हूँ, बट देखना पड़ेगा। लेट्स सी, यहाँ पे तो कहीं पे भी पोकेमोन सेंटर मेरे को नहीं दिख रहा, ऊपर चल के देखता हूँ। ओके, तो मेरे को भाई वापस रिटर्न जाना पड़ेगा। ओके, पिकाचू वाली जगह से। ओके, यहाँ पे सब पिकाचू है भाई, क्या कर रहे हो? ओके, पिका पिका। ओके भाई, ये लोग का काम हो चुका है। वैसे मेरे को एक जगह बनानी पड़ेगी, तो मेरे को चलना है भाई पोकेमोन सेंटर। वहाँ पे भाई पीसी मिलेगा पोकेमोन सेंटर के अंदर, वहाँ पे जगह बना लेंगे। और वो ईवी वाला भाई हमको काम करना पड़ेगा, उसको उसके ट्रेनर के पास छोड़ना पड़ेगा। और मैं फिलहाल मक को अपने टीम से हटा देता हूँ, क्योंकि मक को ही हटाना पड़ेगा भाई। एनिमी में आज ने मक को ही हटाया था। और मक भैया टाटा बाय बाय, दोबारा जल्दी मिलेंगे दोस्त, बट अभी फिलहाल के लिए आराम कर ले भाई तू पीसी में। और भाई लोग मक को हम लोग ने भाई अपने टीम से हटा दिया है। फिलहाल अभी हम लोग को चलना है वापस उसी जगह पर जहाँ पर ईवी भाई हमारा इंतजार कर रहा है। और फटाफट चलते भाई, टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। एक मिनट, ये भाई ये पेड़ वाला सीन मेरे को बहुत पसंद आया, एकदम अच्छे से भाई डिज़ाइन है उसकी। और भाई मतलब ऐसे ये सब ना मतलब अच्छी आदि भाई, मतलब जंगल में घुसे, जंगल में भाई मतलब समझो नदी है इस साइड और इस साइड, और बीच में भाई नदी है, मतलब दोनों साइड भाई जगह है, बीच में नदी और जाने के लिए रास्ता नहीं है, तो भाई पेड़ को काट के गिरा दो, रास्ता बना लो। ये वाला सीन मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और देखने में भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता है भाई, एकदम अच्छा दिखता है। ओके, इस बार मैं ईवी को उठा सकता हूँ, क्योंकि भाई मेरे टीम में जगह है। सो ईवी को ले लेते भाई, हम लोग ने ईवी को उठा लिया है और चलते हैं यहाँ से। ओके, यहाँ से कूद गए। अभी यहाँ पे ऊपर एक जगह है, क्या है भाई? स्टोन टाउन। तो भाई ये देखो, ये है स्टोन टाउन, और अभी हम लोग जा सकते हैं भाई स्टोन टाउन में। इसका नाम क्या है? माइकी। ओ ईवी, आई हिड इट इन द फॉरेस्ट सो डैट माई ब्रदर्स वुडंट मेक इट इवॉल्व। भाई इसने ईवी को वहाँ पे फॉरेस्ट में छोड़ा था, क्योंकि इसके भाई लोग भाई ज़बरदस्ती इसके ईवी को इवॉल्व करना चाहते हैं। दे आर नोन हैज द ईवी ब्रदर्स बिकॉज दे ऑल हैव एवोल्यूशंस ऑफ ईवी, बट आई जस्ट वॉन्ट टू बी एन ईवी ट्रेनर। भाई इसके तीन भाई है, तीनों भाई के पास भाई ईवी का एवोल्यूशन है, बट इसको भाई ईवी का ट्रेनर बनना है, मतलब कि इसके और ईवी में भाई बहुत ज़्यादा प्यार है, जैसा भाई मेरा और पिकाचू में। सो इसके लिए भाई ये बंदा जो बच्चा है ना, ये अपने ईवी को इवॉल्व नहीं करना चाहते, बट ये बात भाई इनके भाइयों को समझ में नहीं आ रही, तो अब हम उनको समझाएंगे। आई विल टेक ईवी बैक नाउ। ओके भाई ले ले, मेरे को भी कोई दिक्कत नहीं है, ले ले भाई अपना ईवी, बहुत बढ़िया। थैंक्स फॉर ब्रिंगिंग ईवी बैक टू मी। ओके, मैंने इसकी ईवी को लौटा दिया। आई हैव डिसाइडेड टू टेल माय ब्रदर्स दैट आई वांट टू बी एन ईवी ट्रेनर, दैट वे वी विल रियली बी द ईवी ब्रदर्स। ओके, तो इसने भाई डिसाइड किया कि ये अपने भाइयों को बताएगा कि इसको ईवी ट्रेनर बनना है। वैसे इनके भाइयों से भी मैं बात कर लेता हूँ। वेलकम टू अवर एवोल्यूशन गार्डन पार्टी, लेट्स कंपेयर अटैक्स। भाई अटैक कंपेयर करो कि तुम मेरे सामने क्या टिकोगे यार। वेपोरियन तगड़ा पोकेमोन है, वेपोरियन से बच के रहना पड़ेगा, लेवल 35 है। पिकाचू आ जा बैटल में, तेरा भाई ये लोग इंतजार कर रहे हैं। ओके, पिकाचू के लिए तालियां हो जाए। भाई आते ही अटैक खा लिया, कोई बात नहीं, थंडरबोल्ट से इसको फेन भी कर देगा। दम नहीं है भाई, दम नहीं है वेपोरियन के अंदर भाई, बहुत दम है क्योंकि इसका लेवल ज़्यादा है। पिकाचू का लेवल कम है, इसके लिए भाई उसकी दम फिलहाल कम पड़ गई, बट कोई बात नहीं। पिकाचू को आप सभी लोग जानते हैं कितना ज़्यादा स्ट्रांग है। आईवीसीआर की दम भी थोड़ी कम पड़ रही है क्योंकि भाई उसका लेवल कम है। लेवल मैटर करता है गेम के अंदर, एनिमी के अंदर नहीं करता, वो बात अलग है। गेम के अंदर भाई लेवल और टाइप एडवांटेज डिसएडवांटेज बहुत ज़्यादा ही मैटर करता है। सो हमें उसके ऊपर ही फोकस करना चाहिए अगर गेम खेले तो। एनिमी के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, मैटर नहीं करता। टाइप एडवांटेज डिसएडवांटेज मैटर करता है, बट वहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके पास एडवांटेज है कि नहीं। भाई डिसएडवांटेज वाले पोकेमोन एडवांटेज है तो भी हरा देते सामने वाले पोकेमोन को। ये कौन है भाई? इफ हिस्ट्री टॉट अस एनीथिंग इज दैट द ओनली वे टू सर्वाइव इज टू इवॉल्व। भाई जिंदा रहने के लिए इवॉल्व करना जरूरी है, ऐसा कोई जगह मतलब ऐसा कोई मैंने कहीं भी नहीं पढ़ा भाई, बट मैंने एक चीज़ सुनी थी कि अगर दुनिया में रहना है तो भाई दुनिया के साथ साथ मतलब बदलते रहो, मतलब दुनिया एडवांस हो रही है तो तुम भी एडवांस हो। सो मेरे ख्याल से ये बंदा वही बताना चाहते हैं। और इसका नाम है रॉकर स्पार्की, और ये इलेक्ट्रिक टाइप, मतलब इसके पास होगा जॉल्टियन, क्योंकि इसने हाथ में भी भाई वायर पकड़ा है और करंट वरंट निकाल रहे हैं इसके लिए। और जॉल्टियन के लिए ब्लास्टोइस कमज़ोर है क्योंकि इसका मतलब ब्लास्टोइस के पास एडवांटेज नहीं है, डिसएडवांटेज है, बट फिर भी भाई अपना ब्लास्टोइस एकदम तगड़ा वाला ब्लास्टोइस है, इसको हरा सकता है और हराएगा भी भाई, टेंशन ना लो, बट खुद ना हार जाए, मेरे को लग रहा है खुद ही हार जाएगा। ओके, पैरालाइज हो गया, ये अपना गलत डिसीजन है भाई, मेरे पास एडवांटेज है ही नहीं, मैं भेजूँ तो भेजूँ किसको यार, पिजोटो भी नहीं टिक सकता, चार मिलियन बात मानेगा नहीं। लग गए भाई अपने, लग गए यहाँ पे, वाट लग जाएगी अपनी भाई। अभी बाइट कर यार, तू बाइट कर दे, कर दे ब्लास्टोइस, तेरे ऊपर ही पूरा मैच, अगर तू गया तो भाई पूरी टीम गई। नहीं, एक अटैक तो मार के जा। ओके, सैंड अटैक बहुत बढ़िया, मार अटैक। ओ भाई भाई सैंड अटैक,
एक्यूरेसी कम हो गई। ओके भाई चलो यार, जॉल्टियन को भाई फेंट तो किया ब्लास्टोइस ने, बहुत बढ़िया ब्लास्टोइस, मान गया भाई तेरे को मैं। और ये आखिरी वाला बंदा है, दिस पार्टी इज फॉर सेलिब्रेटिंग द एवोल्यूशन ऑफ पोकेमॉन विद एवोल्यूशनरी स्टोन्स। एवोल्यूशनरी स्टोन्स भाई आप लोगों को पता होगा, थंडर स्टोन, फायर स्टोन, वाटर स्टोन, सन स्टोन, ऐसे और भी बहुत सारे स्टोन्स होते हैं। आप लोग मेरे को बताओ आपको कितने पता हैं। मेरे को जो अभी फिलहाल याद है मैंने आप लोगों को बता दिया। उसके पास एक फ्लैरियन है, फ्लैरियन के लिए भाई अपना पिजोटो भाई काम कर सकता है, क्योंकि पिजोटो एकदम तगड़ा पोकेमॉन है और फायर के अगेंस्ट उतना वीक नहीं है, फिर भी भाई डैमेज बहुत पहुँच रही है भाई फायर टाइप अटैक से इसको। ओके भाई जीतते जीतते रह गया भाई, जीतते जीतते एक एचपी पे। आईवीसॉर कमज़ोर है फायर के अगेंस्ट, बट या अगर इसको टच करना है सो आईवीसॉर कर सकते हैं, और कर भी दिया भाई आईवीसॉर ने। ओके आईवीसॉर का लेवल 28 हो गया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया भाई। अब क्या सीन होगा यहाँ पे, फिलहाल तो कोई सीन नहीं हो रहा, बात करके देखते हैं। योर पोकेमॉन आर प्रीटी स्ट्रॉन्ग, मे बी यू शुड थिंक अबाउट इवॉल्विंग देम, ट्राई दिस। सो इस बंदे ने मेरे को फायर स्टोन दिया, बहुत बढ़िया भाई। फायर स्टोन से मैं किसको इवॉल्व कर पाऊंगा, मेरी टीम में ऐसा कोई भी नहीं जिसको फायर स्टोन की ज़रूरत पड़े, बट कोई बात नहीं। योर पोकेमॉन आर प्रीटी स्ट्रॉन्ग, मे बी यू शुड थिंक अबाउट इवॉल्विंग देम, ट्राई दिस। इसने मेरे को थंडर स्टोन दिया, तो ये वाला बंदा भाई मेरे को देगा वाटर स्टोन, मेरे को पता है, ऐसा मेरे को लग रहा है, क्योंकि भाई दोनों ने अपने अपने टाइपिंग का दिया। क्या यो बुक क्या भाई, मेरे पास जगह नहीं है क्या? ट्राई दिस, यू डोंट हैव रूम फॉर दिस। रूम, कैसा रूम भाई, मेरे पास मेरी पोकेमॉन टीम में तो जगह है, बट मेरे ख्याल से मेरे बैग में जगह नहीं है, मे बी ना हो, एक मिनट लेट मी सी, लग तो ऐसा ही रहा है कि मेरे बैग में जगह नहीं है। ये क्या है भाई, एक्स अटैक, मैं किसी के ऊपर यूज़ कर देता हूँ। ओके इस टाइम पर मैं यूज़ नहीं कर सकता, चलो कोई बात नहीं, मैं और कहीं देख लेता हूँ। ब्लू स्कार्प, ग्रीन स्कार्प, क्या होता भाई ये सब भाई, कंडीशन के ऊपर, मतलब ब्यूटी को फाइटिंग टाइप अटैक बूस्ट होंगे, मैग्नेट से क्या होगा, इलेक्ट्रिक टाइप एन आइटम टू बी हेल्प बाई पोकेमॉन अ पावरफुल मैग्नेट बूस्ट दिस। ओके ये भाई इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन्स के जो मूव्स है उसको बूस्ट करता है, तो मैं पिकाचू को दे देता हूँ। लाइट बॉल से क्या होता है मेरे को पता नहीं, बट फिर भी मैं लाइट बॉल ले लेता हूँ फिलहाल के लिए, लाइट बॉल ही क्या मेरे को देखने दूँ, अच्छी चीज़ होगी तो वापस कर देंगे भाई पिकाचू को, बट फिलहाल के लिए देखने दो। लाइट बॉल गया कहाँ पे, यहाँ पे आए क्या, नहीं यहाँ पे तो नहीं है भाई, लाइट बॉल कहाँ गया भाई, ये सब चक्कर में फंस चुका हूँ मेरे ख्याल से। लाइट, ये देखो ये रहा लाइट बॉल, क्या है, अ पजलिंग ऑफ टू बी हेल्ड बाई पिकाचू, इट रेसेस अटैक एंड स्पेशल अटैक स्टेट्स। ये भाई पिकाचू के पास ये रहेगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके पिकाचू तो अपना वाला आइटम वापस ले लें। और जहाँ तक बात है सॉफ्ट सैंड की, ग्राउंड टाइप अटैक्स बूस्ट करता है, क्विक क्लॉ, ओके क्विक क्लॉ भाई जिसकी स्पीड कम है उसको देना चाहिए। तो मेरी टीम में कौन है भाई लो स्पीड का पोकेमॉन, वैसे आईवीसॉर को मैं दे सकता हूँ, चार्मेलियन तो भाई रहने दो, उसको दूंगा तो किसी काम का नहीं है, वो बात तो मानता नहीं है भाई, तो उसको देगी कोई फ़ायदा नहीं है, इस बार दे दे भाई। ओके इसने मेरे को वाटर स्टोन दे दिया, और अभी कुछ काम बाकी है क्या? इफ माइकी वॉन्ट्स टू बी एन ईवी ट्रेनर देन ही शुड डू इट। सो फाइनली भाई लोग इसके एक भाई को समझ में आ गया कि अगर माइकी को, मतलब इसके छोटे भाई को ईवी का ट्रेनर बनना है तो उसमें कोई बुराई नहीं, उसको बनने देना चाहिए। और इस वाले से पूछ के देखते हैं, माइकी सेज ही वॉन्ट्स टू बी एन ईवी ट्रेनर, इफ ही फेल्ट दैट वी अबाउट इट ही शुड हैव टोल्ड अस सूनर। हाँ भाई अगर उसको ये बनना ही था तो ये, मतलब उसको ना ये बात ये लोगों को पहले ही बताना चाहिए था, ऐसा ये बोल रहा है। नाउ वी रियली आर द फोर ईवी ब्रदर्स। ओके भाई तो अभी फाइनली ये लोग भाई चार ईवी ब्रदर्स बन चुके हैं। अब ये लोग में जो मिसअंडरस्टैंडिंग था सब कुछ सही हो गया। एक है भाई एवोल्यूशन माउंटेन, ओके एवोल्यूशन माउंटेन ऊपर है, लेट्स सी कि हम लोग जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे भाई, रास्ता बंद है। चलो वापस चलते नीचे और देखते क्या होगा भाई, मेरे ख्याल से कुछ इंटरेस्टिंग हो यहाँ पे, कुछ भी अभी धमाकेदार वैसे हुआ नहीं, बट हम लोग ने भाई 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 का झगड़ा खत्म कर दिया, जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी उसको भी दूर कर दिया, और हम लोग भाई छोटे बच्चे की हेल्प की तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। ग्रोवी, ग्रीटिंग्स चाइल्ड ऑफ द यूनिवर्स, व्हाट, आई एम नॉट अलोन, आई हैव गॉट माय म्यूजिक। ओके भाई ये अकेले नहीं है, इसके पास म्यूजिक है, क्या म्यूजिक मेरे को सुनाओ भाई, म्यूजिक सुनाओ। ओके भाई लोग आप लोग म्यूजिक सुन लेना, वैसे म्यूजिक इनका काफ़ी अच्छा है। नाउ दैट यू हैव हर्ड माय म्यूजिक, यू हैव टू गिव मी सम फूड, isn't my flute playing at least worth a sandwich, what you don't have any food, another free concert, well guess you should hit the road then। ओके भाई तो इन्होंने बोला अगर तुम, मतलब तुमने मेरा म्यूजिक सुना उसके बदले में मेरे को कुछ खाना दो, मतलब भाई ये भी भूखे, बट मैं ठहरा भाई गरीब आदमी, मेरे पास खुद को खाने के लिए नहीं है तो उनको कहाँ से दूंगा। तो भाई उनको ये बात समझ में आ गई, और उन्होंने बोला भाई एक और बार मेरा जो म्यूजिक बजाना था वो भाई बर्बाद, मतलब फुकट में गया, एक और फ्री वाला कॉन्सर्ट करना पड़ा, मतलब भाई मैं गरीब हूँ भाई, मेरे पास खाने के लिए खुद नहीं है तो उनको कहाँ से दूंगा। वही सीन है, एक बार वापस इनका म्यूज़िक सुनते, ओके अच्छे से सुनेंगे इस बार भाई, शांति से मैं कुछ बोलूँगा नहीं, अच्छे से सुनेंगे ठीक है। ओके म्यूज़िक सुनते भाई इनका, ओके
ओके भाई लोग, तो इनका म्यूज़िक काफ़ी अच्छा है, इन्होंने बजाया है भाई, एकदम सही लगा मेरे को म्यूज़िक। और सॉरी मैं आपको कुछ दे नहीं सकता क्योंकि मैं खुद ही गरीब हूँ, तो आपको क्या दूंगा। अब भाई लोग आगे बढ़ने से पहले मैं अपने पोकेमोन्स को एक बार हील करा के आता हूँ, क्योंकि दिक्कत हो जाएगी भाई अगर आगे कुछ हो तो दिक्कत हो जाएगी, और हीलिंग वीलिंग जरूरी रहती है, इसके लिए हील करा के आता हूँ। तब तक आप लोग भाई लाइक करो वीडियो को, इस चैनल को कर दो सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को भूलना मत, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको ऑल पे क्लिक कर देना। और अभी मैं हील करा के आता हूँ, ठीक है। सो भाई लोग यहाँ पे मैं हीलिंग करा के आ चुका हूँ, और अभी हम लोग भाई बिना कोई चिंता के आगे बढ़ सकते हैं, लेट्स गो। यहाँ पे ऊपर एक स्नोरलैक्स दिख रहा है मेरे को, क्या है, द डोर्स लॉक्स भाई, दरवाजा बंद है। एक मिनट, ऊपर एक और चीज़ था ना भाई एवोल्यूशन वाला, ओके यहाँ पे अभी हम लोग फिलहाल नहीं जा सकते, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, हम लोग देख लेते भाई यहाँ पे अंकल क्या कर रहे। अरे अंकल जी बात तो कर लो कम से कम, कहाँ छुप के बैठे। ओके यहाँ से जाना है भाई, यहाँ से पहले अंकल से बात करेंगे, फिर स्नोरलैक्स के पास जाएंगे। माइक्रोब्स आर ऑल ड्राइड अप, समथिंग इज ब्लॉकिंग द रिवर फ्रॉम फ्लोइंग आउट टू देम, इफ़ आई डोंट गेट एनी वाटर माई फैमिली विल स्ट्राइव। भाई जो उनकी क्रॉप्स है उसको पानी चाहिए, और पानी ना मिलने की वजह से भाई मतलब किसी ने पानी को रोक के रखा है, और अभी हम लोग को पता लगाना पड़ेगा कि किसने रोका है, और अगर पानी जल्द से जल्द नहीं मिला तो उनकी क्रॉप्स भाई बर्बाद हो जाएंगी, और ये लोग भाई भूखे रहेंगे। मतलब आप लोग को पता ही है भाई कितना डेंजर हो जाता है, अगर भाई अच्छे से भाई फार्मिंग नहीं हुई तो भाई फिर बहुत लोग भूखे मरने लगते हैं भाई, मतलब भाई उनकी सिचुएशन कंडीशन वैसी हो जाती है, तो उसमें वो लोग भी कुछ कर नहीं सकते। और यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि स्नोरलैक्स भाई पानी के झरने के आगे सोया हुआ है, तो मेरे को इसको उठाना पड़ेगा भाई। स्नोरलैक्स को उठाना मेरे बस की बात नहीं है भाई, कुछ खाने वाली चीज़ होगी तो, मतलब ज़्यादा खाने की चीज़ होगी तो उसकी खुशबू से ये उठ भी सकता है, बट भाई मैं तो खुद ही कंगाल हूँ, मैं इसको कहाँ से खिलाऊँगा यार, भाई क्या होगा। वैसे एनिमी में ये वाला सीन देखने में काफ़ी मज़ा आता है, स्नोरलैक्स भाई झरने के सामने सोया था, मतलब पानी के ऊपर वो सो गया था और पानी को आगे बढ़ने नहीं दे रहा था, और भाई अपने मतलब हीरोज़ ने, मतलब एनिमी की हीरोज़ ने, मिस्टी ब्लॉक एस ने और साथ में टीम रॉकेट ने भाई उसको जैसे तैसे उठाया था, बहुत मज़ा आया था भाई देखने में। और वो लोग ने भाई पोके फ्लूट यूज़ किया था मेरे को याद है, सो मेरे को देखना पड़ेगा अभी क्या सीन है यहाँ पे, उसके बाद ही हम लोग कुछ कर पाएंगे। इट्स ए स्नोरलैक्स, इट्स ब्लॉकिंग द वाटर फ्रॉम द स्प्रिंग, ओके ओके, तो इसको उठाना कैसे। इट्स अ स्नोरलैक्स, इट्स ब्लॉकिंग द वाटर फ्रॉम द स्प्रिंग, ऐसे अंकल से बात कर रहे हैं, तो इनको बता के देखते हैं। ओके तो ये अपनी बात पे भाई, मतलब ये अपनी बात बता रहे कि इनको इनकी क्रॉप्स को पानी नहीं मिला तो भाई इनका क्या हाल होगा। ओके अभी भाई मेरे को देखना पड़ेगा कि क्या सीन है यहाँ पे, कैसे उठाऊँ इसको मैं। ओके इसने भाई पानी को इसने ब्लॉक करके रखा हुआ पता है मेरे को, बट ये उठ रहा नहीं है, तो उसके लिए मैं क्या करूँ। वैसे मेरे को एक बार इस साइड से भी ट्राई करने दो, लेट मी ट्राई फ्रॉम दिस साइड, लेट मी। ओके क्या है भाई यहाँ पे, दरवाज़ा बंदी का बंदी है भाई। ओके तो ब्लॉकिंग द वाटर पता नहीं चल रहा है। ओके भाई ये जो म्यूजिक वाला बंदा है मे बी ये हेल्प कर दे। व्हाट्स द रस ड्यूड, आर स्नोरलैक्स ब्लॉकिंग द रिवर, दैट लिटिल ड्यूड इज माइन, इट लव्स टू स्नूज, आई कांट इवन टेक इट फॉर अ वॉक, आई जस्ट कम टू वेक इट अप वंस अ मंथ, यू वॉन्ट टू मूव इट हियर, यूज माई फ्लूट टू वेक इट फ्री ऑफ चार्ज, डैट्स वॉट फ्री लव्स ऑल अबाउट। सो भाई जो स्नोरलैक्स है वो इस बंदे का स्नोरलैक्स है, और उसको ये एक महीने में एक बार उठाने आते, बट ये महीने में भाई लोग मतलब इन्होंने देर कर दी, मतलब ये अभी तक उठाने गए नहीं। सो स्नोरलैक्स को उठाने के भाई पोकी फ्लूट बजाना पड़ता है भाई। स्नोरलैक्स कितने भी गहरी नींद में अगर उसके सामने उसके आजू बाजू किसी ने पोकी फ्लूट बजाया और उसकी धुन भाई उसके कानों में गई तो उड़ जाएगा। सो इन्होंने अभी मेरे को पोकी फ्लूट दे दिया, और इनकी गलती की वजह से भाई वो अंकल परेशान हो गए, उनकी क्रॉप्स की भाई हालत ख़राब हो गई और उनकी भी हालत ख़राब हो गई। सो यहाँ पे अभी हम लोग पोके फ्लूट यूज़ करना पड़ेगा। वांट टू यूज़ द पोके फ्लूट, यस यस करना है, तो मैंने पोके फ्लूट बजाया भाई। सो भाई लोग आप लोगों को पोके फ्लूट का म्यूज़िक कैसा लगा मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना, आई होप सो कि सभी को बढ़िया लगा होगा। और यहाँ पे स्नोरलैक्स भाई उठ चुका है, इट अटैक्ड इन अ ग्रंपी रेज, भाई इसने अटैक कर दिया भाई गुस्से में। अरे भैया स्नोरलैक्स तेरे को तो पटक पटक के धोऊंगा, रुक जा तू, बाइट अटैक से पाएगा तू, सहलिया यार। वैसे इसके ऊपर फाइटिंग टाइप अटैक करना चाहिए क्योंकि नॉर्मल टाइप पोकेमोन है, बट फाइटिंग टाइप अटैक मेरे को नहीं लगता किसी के पास है मेरे टीम में, लेट मी चेक, नहीं किसी के पास नहीं होगा भाई, कोई है ही नहीं फाइटिंग टाइप पोकेमोन, और ऐसा कोई पोकेमोन भी नहीं जिसको देख के लगी कि वो फाइटिंग टाइप अटैक सीख सकता है। वैसे ब्लास्टोइज सीख सकता है बट आगे के लेवल पे, अभी फिलहाल तो नहीं सीख सकता, या फिर इसको टीम से सिखाना पड़ेगा। ओके बाइट अटैक भाई काफ़ी अच्छा डैमेज दे रहा है, ब्लास्टोइज खुद भी सो गया यार, वाह भाई वहाँ क्या बात है, स्नोरलैक्स को तो कंपनी दे रहा भाई सोने में, चलो उड़ गया भाई बहुत जल्दी उड़ गया। ओके मेरे को बाइटी करनी, तो बाइटी सबसे ज़्यादा डैमेज दे रहे हैं। ओके ख़त्म भाई, स्नोरलैक्स को मैंने हरा दिया। स्नोरलैक्स क्लाइम डाउन, इट गेव अ ह्यूज यान एंड रिटर्न टू द माउंटेन्स, भाई ये चले गया माउंटेन के ऊपर। द ट्रीज बिहाइंड स्नोरलैक्स आर स्टिल ब्लॉकिंग द पाथ ऑफ द रिवर, भाई ये पेड़ पौधे अभी भी ओके
ओके इसको काटना है, ओके हम लोग ने एक पेड़ को काटा और दूसरे वाले पेड़ को द वाटर फ्रॉम द रिवर स्टार्टेड टू फ्लो अगेन। सो भाई लोग जो रिवर है वो वापस से, मतलब जो पानी वापस से फ्लो होना स्टार्ट हो चुकी है। सो अभी मैं दूसरा वाला भी पेड़ काट देता हूँ, क्योंकि अगर वो वाला भी ब्लॉक कर रहा है तो उसको भी काट देंगे। वैसे एक साइड से खुल चुका है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट हम दूसरा वाला भी काटेंगे। ओके अब और तेज़ पानी आएगा भाई, और भी ज़्यादा तेज़ हो जाएगा। ओके चलो भाई वही स्पीड है, बट कोई बात नहीं, हमने भाई एकदम रास्ता क्लियर कर दिया। और अभी अंकल से बात करते हैं, अंकल खुश हो जाएंगे क्योंकि पानी को हमने वापस कर दिया। द रिवर इज़ फ्लोइंग अगेन, नाउ आई कैन फीड माई फैमिली, यू डोंट हैव रूम फॉर दिस। भाई मेरे पास रूम नहीं है भाई, क्या आइटम दोगे आप मेरे को? लेट मी सी अंकल, मेरे को कुछ देना चाहते हैं। और क्या है एक्स स्पेशल से क्या होता है? रेस इज द स्पेशल स्ट्रेट। ओके अभी बैटल के अंदर यूज़ होगा भाई ये। ओके कोई बात नहीं, रिवाइव फायर स्टोन वाटर स्टोन ये सब लेके मेरे बैग में जगह नहीं बची भाई। ड्रैगन डिप पोकेमॉन में भी होल्डिंग इट। ओके प्रोटीन इन, ओके प्रोटीन से क्या होता है? इट रेसेज अ बेस्ट अटैक स्टैट। ओके बेस्ट अटैक स्टैट, तो मैं ब्लास्टर के ऊपर यूज़ करूँ या फिर पिकाचू के ऊपर? मेरा पिकाचू पहला पोकेमॉन तो उसके ऊपर यूज़ कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है। ओके बेस अटैक स्टेट वॉस रेस्ट। ओके पिकाचू का जो बेस अटैक है वो बढ़ चुका है। ओके अभी अंकल से मैं आइटम ले सकता हूँ, क्या दोगे अंकल? तो अंकल ने मेरे को मिराकल सीड दिया है फ्रॉम द फार्मर। ओके फार्मर अंकल है, और कुछ खाना वाना नहीं खिलाओगे क्या अंकल? कंजूस हो आप भी यार। ओके भाई लोग तो हमने स्नोलैक्स को उठा दिया भाई ऐसे तैसे करके, बट मज़ा आया भाई उसको उठाने में। आप लोग को मज़ा आया कि नहीं मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। और भाई लोग आज का एपिसोड भाई अपना लंबा हो गया है, सो अभी देखो हमको एक काम करना है, हम लोग यहाँ पे देखते कि अंकल जी क्या बोलते हैं। इनका पोके फ्लूट हम लोग ने लिया था वो लौटा देते हैं। माई फ्लूट वर्क्स वंडर्स फॉर वॉकिंग ऑफ स्नोलैक्स। ओके भाई तो इनका फ्लूट, इनका काम मतलब जो फ्लूट का काम था वो फ्लूट ने कर दिया, मतलब मैंने भी किया अपना काम, फ्लूट को मैंने बजाया। ओके सो भाई लोग देखो आज का एपिसोड अपना काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया है, सो अभी फिलहाल तो हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते आज के इस एपिसोड में। बट आज के एपिसोड आप सभी को कैसा लगा मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। आई होप सो कि सभी को बढ़िया लगा होगा। और ऐसे और भी धमाकेदार वीडियोज़ देखने के लिए भाई चैनल को कर दो सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बिल को ऑल पर क्लिक कर देना। सो बस भाई लोग आज के लिए इतना, कल मिलेंगे एक नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय आप सभी को।